सबसे पहले मैं आप लोगों का तह दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप मीडिया कर्मी वक्तन फवक्तन हम लोगों का साथ देने में अहम रोल अदा करते आए हैं, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि हम फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम के मारे हुए एस्पिरेंट्स हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर एलजी साहब ने जीएडी की तरफ से एक नोटिस निकलवाई थी 3 मेंबर कमेटी बिठाने को, कि 2020 में अगर स्कैम हुआ, 2013 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, एट लास्ट 2020 में हुआ स्कैम, उसके फौरन बाद 1 महीने का टाइम दिया गया था इंक्वायरी कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन 8 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आया क्यों नहीं? किन चीज़ों को और किन ब्यूरोक्रेटों को, किन पॉलिटिशनों को, किन लोगों को ये शील्ड करना चाहते हैं? किन का बहबूद ढूंढ रहे हैं? किन का दिफा ढूंढ रहे हैं? अगर इनको दिफा करना ही है करप्शन को, अगर करप्ट लोगों को इनको दिफा करना ही है, तो हम सब लोगों को दिफा करेगा कौन? हम यहाँ क्या करने आते हैं? रोज़ रोज़ एलजी साहब के कानों कान जूं तक नहीं रेंगती। हम बड़े अफसोस से ये कहना चाहते हैं कि इनको या तो धार्मिक लड़ाइयाँ चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ज़रिए से हो या टेलीविज़न के माध्यम से हो, ये धर्म को लेकर बहुत बड़ा जंग छेड़ते आए हैं और छेड़ते भी है। बड़ी कंजरू की बात कर रहा हूँ, उन कंजरू की बात जिन्होंने ये स्कैम करवाया हुए ऐसी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो सिर्फ ये भाजपा सरकार को लेकर बड़ी बड़ी दावे कर रही है ना। सीमा सचन, ओ कंजरो बेशर्मो, सीमा सचन को क्या करना है? अंदर की हालात को देखो बेशर्मो। आलोक मौर्या, ज्योति मौर्या को करना क्या है? इन न्यूज चैनलों को आप लोगों ने आशकी वाली चैनलें बनाई है, बड़ी शर्मनाक बात है। जम्मू कश्मीर का यूथ रो रहा है, जम्मू कश्मीर का यूथ रो रहा है, जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य आप लोगों ने दांव पेच पे लगा दिया। बड़े शर्मसार की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हमें आज 3 साल हो गए इंसाफ मांगते, लेकिन इंसाफ ढूंढते ढूंढते हमें इंसाफ नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में जो रिपोर्ट आना चाहिए था 1 महीने पहले, 1 महीने के अंदर, ठीक है, अभी तक आया क्यों नहीं? 8 महीने गुजरने को आए, ये है हमारी मांग। और हमारी मांग ये भी है, अगर ये किसी चीज़ को शील्ड करना चाहते हैं, अगर ये किसी ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन को या किसी बड़े अफसर को शील्ड करना चाहते हैं, तो हमें बताइए हम कहाँ जाए, हमें भी शील्ड करे, हमारे लिए तो कोई रिलीफ ढूंढे। होम डिपार्टमेंट पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, हमें बताइए ना। मत निकालिए रिपोर्ट, मत निकालिए कोई लिस्ट, मत कर दीजिए प्रोब, मत कीजिए इंक्वायरी, मत कीजिए इन्वेस्टिगेशन, मत लगाइए सीबीआई इंक्वायरी, लेकिन कम से कम इन बच्चों को, जम्मू कश्मीर के बच्चों को इंसाफ दिला दो, इनको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो एडजस्ट कर दो। वरना सीधे तौर पे हमने बोला था कि स्कैम को नंगा करो, बस इतना हमें चाहिए।